मणिपुर में शांति के लिए एक्शन में अमित शाह, हिंसा की जांच के लिए न्यायिक आयोग का गठन, 10 लाख मुआवजे का ऐलान, समझौते के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी, हथियारों के साथ सरेंडर का अल्टीमेटम। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का हमला, का नफरत का व्यापार फैला रहे हैं राहुल, मोदी नहीं देश पर कर रहे हैं हमला। राहुल ने अमेरिका में कहा, हिंदुस्तान में लोकतंत्र के लिए चल रही है जंग। भारत नेपाल दोस्ती का नया दौर, पीएम मोदी से मिले नेपाल के पीएम प्रचंड, हैदराबाद हाउस में दोनों नेताओं के बीच बैठक, बड़े समझौतों पर लगी मुहर। पहलवानों के समर्थन में मुजफ्फरनगर में महापंचायत, बीकेयू के नरेश टिकैत भी शामिल, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर फिर बोले, जांच का करें इंतजार, दोषियों के खिलाफ होगी कार्रवाई। साक्षी हत्याकांड के आरोपी की 3 दिन बढ़ी पुलिस रिमांड, हत्या में इस्तेमाल हथियार अभी तक नहीं हुआ बरामद, पुलिस के हाथ अहम सुराग लगने की खबर।